गाइस, वेल हम लोग घर पहुंचने के बाद हो चुके हैं जाने के लिए तैयार, बाहर की आउटिंग करने के लिए। और शाम का वक्त है, धूप जा चुकी है और हमें जाना था सन डाउनर के लिए। और मुझे लगता नहीं जिस तरीके से घर वाले तैयार होने में टाइम लगा रहे हैं उसमें पहुंच पाएंगे। पर लेट्स सी, बहुत प्यारा व्यू है। अगर मैं आपको दिखा पाई तो आपको दिखाती हूँ। सब गोइंग टू दिस ब्यूटीफुल प्लेस कॉल्ड नोवा। सो हम लोग नोवा जा रहे हैं एंड वहाँ जाने की बात करने वाले हैं। थोड़ी मस्ती, खाना पीना, चिल सीन। सो लेट्स गो। सो गाइस, नीचे आ गई हूँ बट वेट कर रही हूँ, ये लोग पता नहीं कब तक आएंगे। यार ये तो बड़ा आ गए। थैंक गॉड, थैंक गॉड। बट मुझे, मेरा जो सन डाउनर का प्लान था वो चौपट हो चुका है क्योंकि पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा। बट एनीवेज, चलिए देखते हैं। सो गाइस, फाइनली हम लोग निकल गए हैं। जगह का नाम क्या है एक्चुअली? नोवा। सो गाइस, हम लोग जा रहे हैं नोवा। तो पहुंच गए हैं हम इस खूबसूरत सी जगह नोवा, जिसके बारे में मैंने काफ़ी सुना था। और दिन की शुरुआत हमारी हुई है, इनफैक्ट इस सफ़र में आउटिंग की शुरुआत हुई है नोवा से। और जितना सुना था यार, क्वाइट इम्प्रेस्ड आई एम एंड इट्स लुकिंग ह्यूज एंड ब्यूटिफुल। लुक एट दिस व्यू मैन, ओ माई गॉड, आई एम जस्ट लविंग इट। आई विश मैं थोड़ा सा और पहले आ पाती और थोड़ा सा फोटोज़ और अच्छी आ पाती। एंड एनी वेज, आई एम जस्ट इंजॉइंग दिस मोमेंट विद माई फैमिली। लेट्स सी आगे का क्या प्लान है हमारा। ये लीजिए, मैंने कर लिया है थोड़ा सा शूट ख़त्म, ताकि मेरे पास कुछ तो होना चाहिए फ़ोटो डालने के लिए गाइस। और अब मैं हो गई हूँ थोड़ी शांत, बिकॉज़ किया ना, थोड़ा लालच रहता है कि अब मैं बोल रही हूँ पेरेंट्स को कि चलिए आप थोड़ा हाई वाई शाइज चेक कीजिए एंड माहौल का मज़ा लीजिए, बिकॉज़ जो वेदर है इतना ज़्यादा अच्छा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। अगेन, इस वेदर में अब हमारी प्लानिंग है कि थोड़ा सा शूट करने के बाद अब हम लेते हैं फील इस ब्यूटीफुल लोकेशन का, जिस तरीके से दूध ब्यूटीफुल, ये समुंदर सामने, अच्छी अच्छी हवा चल रही है। तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम कुछ फ़िलहाल बैठ के खाया पिया जाए, मस्ती वस्ती की जाए, उसके बाद ब्रेक लगाने के बाद फिर हम करेंगे, देखेंगे इस लोकेशन का मज़ा लेंगे। एंड यस, इट इज़ ऑल अबाउट हैविंग फन एंड वाइब्स। सो गाइज, लेते हैं मज़ा इस वेदर का एंड सम मस्ती विद फैमिली। तो गाइज, अब टाइम हो गया है थोड़ी पेट पूजा का और हमने कर लिया है स्टार्टर ऑर्डर। एंड ट्रस्ट मी, स्टार्टर इतना ज़्यादा यमी है। पूरे सब तरह के स्टार्टर्स में हमने, ऑफ कोर्स वी ऑल आर वेजिटेरियन, हम में से एक ही इंसान है जो नॉन वेजिटेरियन है, वो है अरुण शर्मा जी। हाँ, तो हमने स्टार्टर्स ऑर्डर किए हैं ना, यू कैन सी यमी हम्मस, वेरी नाइस पनीर एंड पालक पापड़, यहाँ की स्पेशलिटी है। अगर आप यहाँ आके
खाना चाहते हैं तो प्लीज़ ट्राई पालक पापड़ एंड आफ्टर पेज पेड़ पूजा हैविंग सम फन. इतनी लाइटिंग बट इंजॉइंग द म्यूजिक. मैं आपको म्यूजिक सुना लाउड ऑन यूट्यूब, सो दैट्स व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग एवरीथिंग. इतना ज़्यादा शोर वहाँ पे था, मेरे पास ऑप्शन नहीं था रिकॉर्डिंग के अलावा, इसलिए मैं वॉइस रिकॉर्ड करना चाहती हूँ. सॉरी गाइज, दैट इज़ व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग हियर, सो दैट यू कैन इन्जॉय द वाइब एंड लिसन टू मी how I felt there, क्या लगा और कैसा मुझे मजा आया. Amazing vibe, amazing feel. I think मैंने decide किया कि एक बार और जगह पर आऊँगी, लेकिन थोड़ा जगह क्या क्या यहाँ पर है आप देख ही सकते हैं. ब्यूटिफुल डांस, हमने अच्छा डांस का मज़ा लिया, अलग अलग परफॉर्मेंसेज देखी एंड देर इज़ अ ह्यूज ब्यूटिफुल लोकेशन अहेड जिस पर आप आराम से फ़ोटोशूट कर सकते हैं, जो वहाँ आगे जाके दिखाने वाली हूँ. जो मैंने देखा, मैं तो इस व्यू से हटी नहीं पा रही थी गाइस, बट बार बार ये सोच रही थी यार दिन में आना है, दिन में आना है. बट आई प्रॉमिस माई सेल्फ इस जगह पे मैं डेफिनेटली मैं दिन में आने वाली हूँ, क्योंकि ये अब शुरुआत ऐसी हुई है हमारी हॉलीडे की, यू नो आउटिंग की. सो आई एम प्रीटी एक्साइटेड एंड मज़ा आ रहा है गाइस. मस्ट विजिट दिस प्लेस. ये देखिए मम्मी क्या कर रही हैं यहाँ पे. दादी की ड्यूटी ऑन है एंड शी ऑलवेज यू नो ऑन द टोज. जब भी साथ में हमारा युवान रहता है तो दादी तो मतलब दादा दादी की ड्यूटी पूरी युवान पे ही रहती है, मतलब युवान के साथ ही रहती है. एंड अपर्णा गई है आकाश के पास थोड़ा फोटो वोटो शूट करने के लिए. तब तक हम कर रहे हैं इन्जॉय चिलिंग दिस वेदर, थोड़ा खाना वाना भी हजम कर रहे हैं. स्टार्टर में इतना पेट भर गया है, आगे पता नहीं क्या होगा. सो हमने थोड़ा सा लिया है ब्रेक ताकि हम इस प्रॉपर्टी को अच्छे से इन्जॉय कर पाएँ. और मैं थक गई हूँ यार, आप थोड़ा सा रिलैक्स करना चाह रही हूँ बिकॉज मैं एक पूरा राउंड लगा के आई हूँ, जो कि तो स्टूपिड में कैमरा नहीं लेके गई. अब नेक्स्ट राउंड में कैमरा लेके जाऊँगी. बट अब टेकन अ ब्रेक. अब यहाँ पे देखिए क्या चल रहा है, रिलैक्सेशन मूड चल रहा है, इन्जॉइंग द वाइब. Nice, beautiful time with family. I think life में it is so important to spend time with your loved ones. ये आपको और ज़्यादा special feel कराता है. And I'm feeling so nice कि thank God मैंने ये चीज़ plan नहीं की थी, but plan हो गई. फिर इस प्रिंस को चंडीगढ़ जाना पड़ा and मैं वहाँ अकेले थी बॉम्बे में. Good decision and I'm enjoying every moment with my family and I'm sure, I hope they are also enjoying and loving every moment. So आपकी लाइफ में अगर मौका आए या ना आए, प्लीज़ मेक श्योर कि आप ऐसा मौका क्रिएट करें टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे हम कर रहे हैं थोड़ा सा चिल. ये एरिया मुझे इतना प्यारा लगा है. आई विश अगैन डे टाइम में ये इतना सुंदर लगता है. द स्विंग है और मैंने मम्मी ने यहाँ पे बैठ के स्विंग पे इतनी सारी दिल की बातें शेयर की, थोड़े से मोमेंट शेयर किए. You know, this moment was very, very special as everybody knows how close I am to my mom because she's my best friend and इनके साथ में बैठ के घंटों अपनी दिल की बातें कर सकती हूँ. तो यहाँ पे बैठ के हमने बहुत सारे यू नो लाइट मोमेंट शेयर किए और यहाँ से इतना प्यारा व्यू दिख रहा था सामने. देर इज़ अ पूल जो आपको बाद में नज़र आएगा, यहाँ पे वॉक के लिए मैं जाऊँगी. एंड इस व्यू के बारे में हम यही डिस्कस कर रहे थे कि ये डे टाइम में कितना खूबसूरत लगेगा. तो इस जगह पे गाइस जब भी आप आएँ तो ये लोकेशन पे इस एरिया में आना मत भूलिएगा और यहाँ पे टेक नाइस ब्यूटीफुल पिक्चर. लुक एट दिस, सो ब्यूटीफुल दिस इज. आप डेफिनेटली मेरे इंस्टाग्राम पे भी देखेंगे. तो ये फील का मज़ा लेते हुए मैंने डिसाइड कर दिया यहाँ
यहाँ पे डेफिनेटली आपको सुनाई नहीं देगा मैं क्या बोल रही हूँ, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ म्यूजिक। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं नाइस फैमिली फोटोज, सम फन पिक्चर्स एंड सम नाइस क्यूट मोमेंट्स सोलो पिक्चर्स ऑल्सो। अभी देखेंगे आप, मैंने बहुत बहुत प्यारी प्यारी फोटोज़ क्लिक कराई हैं, जस्ट लविंग इट। तो मैंने इस मौके का फ़ायदा पूरा पूरा उठाया। वैसे मैं लेज़ी हो जाती हूँ फोटो कराते वक्त, स्पेशली जब मैं हॉलीडेज़ के लिए आती हूँ, लेकिन आई डोंट नो समहाउ आई वाज इन मूड टू डू सम नाइस गुड ब्यूटीफुल पिक्चर्स, सो आई डिड दैट। लुक एट दिस, यहाँ पे भी फुल ऑन पोज शोज चल रहा है मेरा, फुल ऑन। एंड हेयर इट इज़, ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस एज यू कैन सी, अमेजिंग डांस यहाँ पे। दिस इज़ आई थिंक थर्ड और फोर्थ परफॉर्मेंस मैं देख रही हूँ, एंड ऑफकोर्स मैं सारी नहीं दिखा पाई, कुछ दिखा पा रही हूँ, कुछ मैंने मिस शूट करना मिस कर दिया। बट गाइज, जगह की वाइब इतनी ज़्यादा अच्छी है कि आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, बिकॉज बॉलीवुड म्यूजिक इज़ देयर, अमेजिंग डांस इज़ देयर। सो मैं बीच में शूट कराते कराते मैंने कहा यार यहाँ का भी मज़ा लेते हैं, इट्स अमेजिंग। सो स्टार्टर्स के बाद हमने डिसाइड किया था गाइस थोड़ा सा हम ब्रेक लेंगे, थोड़ा वॉक वॉक करेंगे, फोटो वोटो शूट करेंगे, थोड़ा सा वाइब यू नो को फील करेंगे यहाँ के प्रॉपर्टी का। सो हम लोगों ने फ़ोटो शूट किया, हम लोगों ने स्विंग पे जाके बातें की, थोड़े पूल साइड वॉक किया, एंड वी आर बैक फॉर द डिनर नाउ। फाइनली मेन कोर्स वी आर हैविंग, एंड अगैन ऑल वेजिटेरियन फूड, एंड खाना जेन्युइनली बहुत यमी है गाइज, वन मस्ट कम हियर एंड ट्राई एवरीथिंग। सो इस वक्त हम लोग इंजॉय कर रहे हैं डिनर को, बिकॉज हमारे पेट में जगह नहीं थी जिस जिसका डिनर पूरा होता जा रहा है। एंड हियर वी हैव अमेजिंग अमेजिंग डिजर्ट जो कि आप देख सकते हैं, स्पेसिफिकली तिरामिसु, एंड वी हैड दिस रसमलाई। रसमलाई का आइडिया इसलिए था गाइस, सबसे सेफ रहता है कि अगर आपको टेस्ट मीठे का हो ना हो, लेकिन रसमलाई तो सबको पसंद है। एंड वी आर एंडिंग दिस ब्यूटिफुल लवली डिनर आउटिंग विद नाइस वाइब, लास्ट फोटो लेते हुए हियर इट इज़, दिस इज़ द एग्जिट एंड वी आर लीविंग फ्रॉम दिस प्लेस, अमेजिंग प्लेस एंड अमेजिंग परफॉर्मेंसेज। आई एम श्योर आई एम गोना कम बैक अगेन, मैं यहाँ पे फिर आऊँगी फैमिली के साथ, लेकिन इस नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगी तो डे टाइम में आके डेफिनेटली प्रॉपर तरीके से आपको पूरा वाइब का मज़ा दिखाने वाली हूँ। लेकिन दिस प्रॉपर्टी इज़ वर्थ इट, यहाँ पे आना बहुत ज़रूरी है एक बार। नोआ आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड, मुझे आ गया एक्चुअली मज़ा, फूड वॉज अमेजिंग फैमिली के साथ, आई मीन नो कंप्लेंट, हॉस्पिटैलिटी वॉज ऑसम, भर पेट खाना खाया है, ब्रेक लगा लगा के खाया है, एंड आई कैन इमेजिन मैं इतना ज़्यादा हॉलीडेज पे खा रही हूँ गाइस, माय गॉड। बट अमेजिंग फूड, अमेजिंग फन, क्या कहने, अमेजिंग। सो गाइस थोड़ा वॉक करते हुए बहुत मज़ा आया नोआ में, अमेजिंग 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 एक्सपीरियंस, और आप निकल रहे हैं अपने घर की तरफ। यस। तो आज गाइस हमारे पापा साथ नहीं आए बिकॉज गोगो साथ में था, तो कल और सब लोग टाइम से अपने आप ही तैयार हो जाएंगे, कि जो फील दिन का होता है वो अलग ही होता है। नहीं अरुण भाई, मैंने ज्यादा खा लिया, मैंने ऑलरेडी रन गेम ट्रिप ना हो अरुण, तो नहीं खा पाऊंगा भाई, मैं बड़ी मुश्किल से एब्स मुझे दिखने लगे थे और अब फिर गुम हो गया आज। अरे श्योर हो गया मुझे, सीरियसली नहीं डोंट वरी, आई थिंक टुमारो आई विल, कल तो नहीं खा रहा मैं, आई वुड क्लिक योर पिक्चर व्हाइल नॉट, और आपको कैसा लगा? फिर बेचारे
हिम्मत त्याग दी और सो गया कंधे पे सर रख के। हाँ युवान, युवान हाय, हर्षु का तो गाइज ये थी हमारी मस्ती और अब चल रही है तैयारी घर के लिए। घर पे पापा और गोगो एक अलग ही जोन में होंगे। एक गोगो है जो शिकायत करेगा, पापा है जो नहीं बोलेंगे वो अंदर ही अंदर रखेंगे। लेकिन हमारी गोवा की ट्रिप की शुरुआत हो गई है एंड अभी मेनी मोर डेज टू गो। लेट्स सी व्हाट इज देयर फॉर अस, वो मैं आपको विद टाइम बताती रहूँगी। लेकिन मज़ा आया, नोवा इज़ अ गुड प्रॉपर्टी अगर आपको गोवा में आके इंजॉय करना है। It's a family place and you can actually have lots of fun here. And you must visit this place, Nova. And yes, let's go home. इसी बात पे guys, thank you so much. Keep watching my vlog and I'm gonna see you in my next vlog very, very soon. Till then, love you all. Love yourself and live your life.